नए फैशन में फास्ट्रैक ने धमाकेदार एंट्री की। नए तीन आर्टिकल लॉन्च करके फास्ट्रैक चार्ज, फास्ट्रैक वॉल्ट एंड फास्ट्रैक क्रूज। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है फास्ट्रैक चार्ज। फास्ट्रैक रिफ्लेक्स चार्ज लार्ज डिस्प्ले 1.83 डिस्प्ले साइज है, अल्ट्रा वीयू डिस्प्ले सिंगल सिंक्रोनाइजिंग ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ। सिंगल सिंक्रोनाइजिंग यानी सिंगल ही मैक एड्रेस और सिंगल ही कनेक्टिविटी के साथ आपको ब्लूटूथ कॉलिंग एंड नोटिफिकेशन दोनों ही फीचर्स का एक्सेस देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन एक्सेस भी सिंगल ही कनेक्टिविटी के साथ है, यानी आपको स्मार्ट वॉच में से कोई फीचर को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। 2.5D कर्व डिस्प्ले है इसकी, 100+ स्पोर्ट्स मोड, सुपर फास्ट चार्जिंग है इसमें, एडवांस एक्टिविटी ट्रैकर, ऑल राउंड हेल्थ ट्रैकिंग है, क्विक रिप्लाइज एंड इंटेलिजेंट वॉइस असिस्टेंट है। तो ये फीचर्स क्या क्या हैं अब हम इस वॉच को ओपन करके इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसके लिए फास्ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ड ऐप है जो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों में वर्कआउट करता है। बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है डिवाइस। डिवाइस को हम बाहर निकाल लेते हैं, देखने में तो काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है ये। अब इसके फीचर्स भी हम अभी जानेंगे, इसके अलावा बॉक्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो मैं इसको लिफ्ट कर लिया और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स चार्ज का प्रोडक्ट मैनुअल, जिसके इंटरनल आपको देखने को मिलता है हैंडलिंग एंड केयरिंग। तो यहाँ पे लिखा हो फास्ट्रैक ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया एकदम मॉडर्न प्रोडक्ट है एंड वाटर असिस्टेंट है। बैटरी की केयरिंग के बारे में बताया गया है कि एटलीस्ट 6 मंथ में 1 टाइम इसको चार्ज करना ज़रूरी होता है। सर्विस एंड रिपेयर्स के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कि जो वारंटी में कवर्ड होता है या नहीं होता वो भी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती है। एक और बात बता दूँ जो इसमें शायद मेंशन ना भी हो, फास्ट्रैक रिफ्लेक्स के किसी भी चार्जर की वारंटी नहीं होती। इवन टाइटन हो या फास्ट्रैक का कोई भी स्मार्ट वॉच हो, उनके साथ जो आपको चार्जिंग केबल अवेलेबल होती है ये ब्रेकेज में काउंट की जाती है और इसलिए इनकी वारंटी काउंट नहीं होती। आपको एक दिन की भी इसमें वारंटी नहीं देखने को मिलती, इसलिए जब भी आपने परचेज़ करना है तो इसके चार्जिंग को ज़रूर चेक कर लेना। इसके अलावा आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया, स्ट्रैप को कैसे कनेक्ट करना है और फीचर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको वारंटी रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। कार्ड मिलता है इसमें, आपको बताया गया कि जो 17 डिजिट का प्रोडक्ट आईडी है वो आपने सबमिट करना है, स्कैन करना है या सब उसको आप मैनुअली भी ऐड ऑन कर सकते हैं और आपकी जो वारंटी ऑनलाइन हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक फाइबर का स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, इसका साइज़ 22 साइज़ होगा इसका। स्ट्रैप के ऊपर आपको फास्ट्रैक भी लिखा देखने को मिल जाएगा और 2 लूप्स दिए हुए हैं और बक्कल की क्वालिटी भी इसमें काफ़ी बेहतरीन है एंड जो पिन्स हैं इसमें रिमूवेबल पिन है तो आप इसे ईजिली खुद ही कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी जगह पे कल को कोई और स्ट्रैप भी लगाना है तो वो भी आप परचेज करके लगा सकते हैं खुद अपने एंड से। तो ये मैंने स्ट्रैप को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे वॉच को ऑन करने के लिए सबसे पहले बताया गया है जो साइड फंक्शन बटन है इसको आपने प्रेस बाद में करना, पहले आपको चार्ज अप करना है। बाकी वॉचेज में जब सीधा कर लेते हैं वो भी करके देखता हूँ मैं कि सीधा प्रेस करने पे 5 सेकंड के बाद ऑन हो जाती है कि फ़र्स्ट टाइम चार्ज करना ज़रूरी है क्योंकि लिखा तो हुआ है, जैसा कि लिखा हुआ है कि 1 टाइम चार्ज करना ज़रूरी है। तो मैंने इसको 1 टाइम कनेक्ट कर दिया और वॉच ऑन हो गई है। वेलकम टू द फास्ट्रैक रिफ्लेक्स QR कोड का आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ पे QR कोड आ गया। डेटा केबल की अगर हम बात करें तो डेटा केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें जो इसकी मैग्नेट की पकड़ है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसे कि कंपनी की तरफ से इसकी वारंटी नहीं होती तो आपको सावधानी बरतनी ज़रूरी है। मॉडल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाता है, बैक साइड पे हम देखते हैं तो 38083 एंड आर्टिकल नंबर जो है इसका 06 है, PP के साथ है यानी प्लास्टिक केस विद प्लास्टिक का स्ट्रैप एंड मेड इन PRC मॉडल। यहाँ पे आपको मेंशन भी हो किया हुआ है जो आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको कोड डालना है 17 डिजिट का, तो वो ये नंबर है सीरियल नंबर, ये आपने सबमिट करना ऑनलाइन और वॉच आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। यहाँ पे आपको साउंड का देखने को मिल जाता है, डबल स्पीकर है और केस की क्वालिटी की बात करें तो ये केस की क्वालिटी
मैट फिनिश में है, लेकिन मैट फिनिश में इसकी काफ़ी अच्छी लुक देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको जो एक्टिव सेंसर भी देखने को मिलते हैं, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। जब भी आपने इसे वियर करना है तो ये बैक कवर से ये हटा के फिर ही वियर करना, तभी ये सेंसर प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग का मैग्नेट पॉइंट देखने को मिल जाता है, और IP68 वाटर रेसिस्टेंट है वॉच, यहाँ पर मैंशन भी किया हुआ है। और इसमें क्या होता है कि आप डस्ट प्रूफ होती है, प्लस अगर कुछ सेकेंड तक आप पानी में अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो अब हम इस वॉच को करेंगे कनेक्ट, उसके लिए मैं एप्लीकेशन जो है फास्टैग रिफ्लेक्स वर्ड को इंस्टॉल कर लेता हूँ। वॉच की कनेक्टिविटी के लिए QR कोड को स्कैन करना ज़रूरी है, एंड इसके लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना होगा, इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन करना होता है। फास्टैग रिफ्लेक्स वर्ड आप यहाँ पर सर्च आउट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, आपने इसे इंस्टॉलेशन कर देना है। मैंने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया हुआ तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते आपको यहाँ से तीन स्लाइडिंग का आएगा, थर्ड वन पे जाएंगे तो साइन अप के लिए आएगा। साइन अप करते आपको आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, देन यहाँ से आपने टिक करके एक्सेप्ट कर देना। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहेंगे, तो मोबाइल नंबर आपने यहाँ से एंटर करके, मोबाइल नंबर आप जैसे एंटर करेंगे तो OTP के लिए आएगा। OTP यहाँ से आपने इसे अलाउ कर देना है। OTP अलाउ करते ही कंटिन्यू के लिए आ रहा है, कंटिन्यू किया, यू आर नाउ वेरीफाइड। वेरीफाइड करते आपको परमिट्स के लिए आएगा। परमिट में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलती है। मैंने ब्लूटूथ ऑलरेडी ऑन किया हुआ है तो इसलिए ब्लूटूथ का नहीं आ रहा। आइदर तीनों को आपने परमिशन दे देनी है वाइल यूजिंग दी ऐप। कैमरा फीचर चाहिए होता है बार कोड स्कैनिंग के लिए। नियर बाय लोकेशन यानी आपको जो लोकेशन है उसको भी अलाउ करना होता है। देन इसके बाद आप QR कोड स्कैनिंग का आ गया, यहाँ से मैं इसमें QR कोड ले आता हूँ। और यहाँ पे मैं इस पर QR कोड के बिल्कुल ऊपर लेके गया तो आप देखिए कनेक्टिविटी के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे आप वॉच पे देखेंगे तो आपको कंफर्म पेयर के लिए आता है। कंफर्म पेयर करना है, यस कंफर्म कहते ही पेयर सक्सेसफुली। इसके बाद पेयर ब्लूटूथ जो कॉलिंग फीचर है उसका भी, देन वाई यूजिंग दी ऐप यहाँ से हमने कर दिया। अब आता है फर्मवेयर अपडेट का, तो फर्मवेयर अपडेट से पहले यहाँ पे आ रहा है परमिशन रिक्वेस्ट, तो ऑथोराइज कर दिया हमने, ये कॉलिंग फीचर्स के लिए था। ये सब डन होने के बाद यहाँ पे वॉच का अपडेशन नाउ का आ रहा है। तो बैटरी आपको चाहिए कम से कम 30% तो ही आप इसको अपडेशन को प्रोसेस रन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे रन आउट कर देता हूँ। रन आउट करने के कुछ ही सेकंड में आपको वॉच के ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती दिखाई दे देगी। अब ये है कि कितनी जल्दी रन आउट होता है ये हमें भी आइडिया नहीं होता इसका। तो आप देखेंगे आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट होता दिखाई देगा, 93% हो गया। देन अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसके बाद, कि नेक्स्ट प्रोसेस डन हो जाता है या फिर एक बार फिर से फर्मवेयर अपडेटेशन पे जाता है। क्योंकि ये जब कंप्लीट होता है उसके बाद जो कई वॉचेज में आपको दो या तीन बार भी अपडेशन के लिए दिखाई देता है, और अगर ऐसा आए भी तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, रोल बैक नहीं हुआ होता। ये होता है कि अगर आपकी बैटरी कम चार्ज हुई है उसके कारण भी होता है, और प्लस कंपनी ने जितने अपडेशन इसमें ऐड ऑन किए होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वॉच ऑन हो चुकी है मेरी और अपडेशन का अभी वेटिंग पे जा रहा है, वेट कर लेते हैं कुछ सेकेंड। ये देखिए अपडेशन के बाद, वेटिंग के बाद भी वॉच पे आपको थोड़ा सा अपडेशन प्रोसेस कंटिन्यू होते दिखाई दिया होगा, एक बार दो बार। तीन बार तो मैंने जैसे बताया कि आपको अगर बार बार आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वॉच ख़राब नहीं हुई है। ये कंपनी का जो प्रोसेस है उसमें अपडेशन कितना टाइम पीरियड लेता है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट ए मूवमेंट, और वॉच पे आपको दिखाई दे रहा होगा अपडेशन रनिंग। तो घबराने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती, जल्दी जैसे कंप्लीट होगा। ये अभी वॉच मेरी रिस्टार्ट पे चली गई है और मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर में आ गया फर्मवेयर अपडेट सक्सेसफुली, अब वॉच ऑन हो गई है। अभी भी एक फर्मवेयर अपडेशन फाइंड आउट कर रहा है कि कहीं और कोई पेंडिंग तो नहीं है, अगर पेंडिंग होगा तो यहाँ पे
अपडेशन रन आउट हो जाएगा। अभी तक वॉच ने टाइम भी पिक नहीं किया, ये फर्मवेयर अपडेशन डन होने के बाद ही वॉच टाइम पिकअप करती है। तो मैंने आपको वजह से बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। यहाँ मैंने डिटेल फिलअप करनी है, अब कंटिन्यू करके कंटिन्यू करता जाता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल इसमें अपडेशन डन की हुई है। आपने बस अपने अकॉर्डिंगली इसमें डिटेल फिलअप कर देनी है। वेदर के लिए आया, वेदर परमिशन मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। डोंट डिस्टर्ब के लिए आया तो डोंट डिस्टर्ब फीचर्स को मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। क्विक रिप्लाई, तो इसमें क्या है, इनेबल क्विक रिप्लाई परमिशन फॉर द ऐप टू सेंड SMS ड्यूरिंग एन इनकमिंग कॉल ऑन द वॉच, मेक श्योर कॉल नोटिफिकेशन आर टर्न ऑन। तो हम परमिट कर लेते हैं, इसको अलो कर दिया। वॉच पे जाते हैं तो वॉच पे टाइम जो है इसने पिकअप कर लिया हुआ है। अब हमें जो एप्लीकेशन में से जो भी पेंडिंग है, जैसे कि सेटिंग में मैं जाऊँगा, सेटिंग में मेरे को टर्न ऑन नोटिफिकेशन करना है, अलाउ कर देना है इसको। अलाउ करते ही आपको डिवाइस एप्लीकेशन नोटिफिकेशन रीड के लिए आ रहा है, अलाउ कर दीजिए ताकि आप इसके जो एक्सेस है इसको प्रोवाइड कर सकें। फ़ोन एक्सेस आ रहा है, अलाउ कर दीजिए। अलाउ करते ही आपको कॉल लॉग्स अलाउ, कॉन्टैक्ट रिक्वायर्स अलाउ, तो ये सब एप्लीकेशन एक्सेस अलाउ हो गए। देन आते हैं गोल्स की सेटिंग। तो अगर आपने इसमें कोई डिटेल फिलअप करनी है, कोई अपने गोल अचीव करना है तो उसके लिए करना है तो आप कर सकते हैं। ऑटो स्ट्रेस जो है, यहाँ से आपने ये ऑटो HR एंड ऑटो स्ट्रेस आता है, तो यहाँ से इस फीचर को ऑन करना होता है। फोन फीचर ऑन होते स्ट्रेस मॉनिटरिंग फीचर है, तब वर्कआउट करता है, आइदर नहीं करता है। तो मैं यहाँ से इस फीचर को ऑन कर देता हूँ। देन आता है अलर्ट्स। अलर्ट्स, कोई भी आपने पर्टिकुलर किसी वर्कआउट का अलर्ट्स रन आउट करना है तो कितनी देर बाद वो रन आउट हो वो आप यहाँ से सेट आउट कर सकते हैं। हाइड्रेशन रिमाइंडर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको रिमाइंडर जो होता है वो आप यहाँ पे सेट आउट कर सकते हैं। देन आता है हाई रेट HR अलर्ट, तो ये आप इसमें टर्न ऑन तो किया हुआ, अपडेट भी यहाँ से कर सकते हैं इसको। मुझे नहीं चाहिए तो मैं आ रहा हूँ अब नेक्स्ट स्टेप माई वॉच पे। माई वॉच में सबसे पहले आता है फाइंड योर वॉच, ये रन आउट करेंगे तो आपको वॉच पे म्यूज़िक सुनाई दे देगा। एंड इसके बाद आता है क्विक रिप्लाई, इनेबल कर दिया हो मैंने। यूनिट सिस्टम होता है तो ये मुझे नहीं चाहिए चेंज करने का। लिफ्ट टू व्यू है तो मैंने ऑलरेडी टर्न ऑन किया हुआ है। देन आता है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो इसमें हम अपने जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं, हम उसे इनेबल कर सकते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए। देन इसके बाद माई वॉचेज में आपको देखने को मिल जाता है अनपेयर्ड, वॉच को अनपेयर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अलार्म है, यहाँ पे आप मल्टीपल अलार्म को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट वॉच में मैंने देखा था 10 अलार्म यहाँ से आप टर्न ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इसमें भी लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगा, 10 अलार्म बन आ गया। तो इसके बाद आता है डोंट डिस्टर्ब फीचर, तो जितने टाइम पीरियड का आप इससे सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। देन आता है वेदर, वेदर मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। म्यूज़िक, तो म्यूज़िक में क्या है कि इनेबल नोटिफिकेशन एक्सेस टू रिसीव म्यूज़िक अपडेट ऑन योर वॉच, तो ओके। ब्लूटूथ कॉलिंग, ये भी मैंने ऑलरेडी इनेबल कर दिया हुआ है। देन आता है अपडेट वॉच एंड देन आता है एडिट स्पोर्ट्स, तो इसमें जो स्पोर्ट्स मोड आप प्लस में ऐड करेंगे तो वो आपको विजिबल होंगे, बाकी आपको सामने डिस्प्ले स्क्रीन पे विजिबल नहीं होंगे। तो ये तो हुआ इसके फीचर्स का। अब आता है इसमें वॉच फेसेस। वॉच फेसेस में जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, सबसे पहले जो हम इनबिल्ट मतलब एप्लीकेशन के जो इंटरनल वॉच फेसेस होते हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वॉच फेसेस हैं, जैसे कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन में से, वो सब वॉच फेसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करते ही इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे तो इंस्टॉल ऑन वॉच पे जाते क्लिक करते ही आपका वॉच फेस आपकी वॉच पे विजिबल हो जाएगा। इसके बाद आता है, इसमें आपको कितने सारे देखने को मिल जाते हैं, इसके बाद आता है माई वॉच फेस, इसमें अगर आपने कोई ऐड किया होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है कस्टम, कस्टम में से आप लाइब्रेरी में से कोई भी फ़ोटोज़ को क्लिक सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने काफ़ी रखे हुए, ये देखिए मैं अपनी गुड़िया का कर देता हूँ, तो इसमें मैंने जितना इसका साइज़ चाहिए मैं उतना साइज़ कर लेता हूँ, कर लिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट किया, आपके सामने विजिबल हो रहा है कैसी इसमें डिस्प्ले आएगी, तो इसको मैं देखूँ यहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं हम इसे मूवमेंट नहीं कर सकते और यहाँ पे मूवमेंट का साइन भी देखने को नहीं मिलता। तो वॉच फेस में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिर्फ यहीं पे इसमें विजिबल होगा टाइम का।
कलर ऑप्शन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। जैसे मैं इंस्टॉल ऑन वॉच पे क्लिक करता हूँ, ये वॉच फेस मेरी वॉच पे विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कस्टमाइज वॉल पेपर का जो प्रोसेस है डन होगा। तो ये देखिए वॉच फेस आपको देखने को मिल गया। इसको इंस्टॉलेशन होते काफ़ी टाइम लगा, जैसे कि क्रोज़ की वॉच में था कि स्किंटो में हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। इसमें काफ़ी टाइम लगा। और ये रही वॉच की पहली लुक, मैं इसमें वॉच फेस आपको जो इनबिल्ट वॉच फेस है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से सबसे खूबसूरत जो इसमें वॉच फेस में को लगा था ये वाला है। बाकी वॉच फेसेस हम देख लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच, पाँच वॉच फेसेस आते हैं इसमें, तो हम ये वाला रख लेते हैं। देन यहाँ से आप देखेंगे डाउन स्लाइड करके, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का। देन यहाँ पे फ़ोन कॉल का भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सिंगल सिंक्रोनाइजिंग है, तो आपको यहाँ पे दोनों साइन देखने को मिल जाते हैं। 81% इसकी बैटरी है, और बैटरी का भी आपको एक अच्छा रिव्यू एक परसेंटेज में आ रही है, नहीं तो बाकी वॉचेज में नहीं देखने को मिलती थी। इसमें सबसे पहले आता है डोंट डिस्टर्ब फीचर, यहाँ से आप टर्न ऑन कर सकते हैं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए जितनी भी आप करना चाहें। तो यहाँ से इसके बाद आता है लो पावर मोड, तो यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो लो पावर मोड ऑन हो जाएगा। ये लिफ्ट टू रिस्ट व्यू है। देन आता है ब्लूटूथ कॉल मीडिया ऑडियो, तो यहाँ से दोनों की कनेक्टिविटी का दिखाई नहीं दे रहा आपको, ब्लूटूथ कॉल का आ रहा है। मीडिया ऑडियो मैं यहाँ से अगर ऑन करूँगा तो ये देखिए अभी कनेक्टेड हो गया। ये इसमें एक अच्छा फीचर दिया गया, अब मीडिया को कनेक्टेड हो गया, तो वो भी मैं बाद में चेक करूँगा। देन आता है सेटिंग, सेटिंग्स में हम पहले देखते हैं वॉच फेसेस का। देन सेटिंग में अगेन जाएंगे, स्क्रीन टाइम ऑफ कितनी देर का रखना है, मैं 25 का रख देता हूँ। मेनू स्टाइल ग्रिड में रखना है या लिस्ट में रखना है, मैं लिस्ट में ही रहने देता हूँ। वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग में जो इसमें वाइब्रेशन लेवल है, लास्ट जो मैंने क्रूज़ की वॉच दिखाई थी उसमें वाइब्रेशन लेवल काफ़ी इंक्रीज था, मतलब जो इसमें स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो मॉडरेट में था। साउंड सेटिंग आपको यहाँ पे कॉल एंड वाइब्रेशन दोनों ऑन है। देन आता है फ़ोन सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी दिखा दी थी आपको। इसके बाद आता है QR कोड को स्कैन करेंगे तो वॉच पेयर्ड हो जाएगी। पावर ऑफ रीसेट, रीसेट करते ही फैक्ट्री सेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आता है अबाउट, अबाउट में आपको सिंगल मैक एड्रेस एंड UI वर्जन एंड फास्ट ट्रैक के आर्टिकल नंबर दिखाई देगा। इसके बाद आता है रिस्टार्ट, तो रिस्टार्ट पे क्लिक करते वॉच रिस्टार्ट के लिए चली जाएगी। डाउन स्लाइड करते इसके बाद सेटिंग के बाद कोई फीचर नहीं है, तो अभी हम लेफ्ट स्लाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है माई फिटनेस, माई फिटनेस में आपको स्टेप कैलोरी किलोमीटर ये तीन चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है स्लीपिंग मॉनिटर क्वालिटी चेक करने का, तो रात को वियर करके ही इसे आप मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हार्ट रेट, देन आता है वेदर, वेदर में आपको बड़ा ईजी दिखाई देने को मिल जाता है। इसके बाद आता है म्यूज़िक, तो यहाँ से आप म्यूज़िक को प्ले आउट कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इसमें जो लेफ्ट स्लाइड पे है। इसके बाद राइट स्लाइड करते हैं तो आपको जो जितनी एप्लीकेशन है लिस्ट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है माई फिटनेस, देन मल्टी स्पोर्ट्स, मल्टी स्पोर्ट्स में आपको आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, वॉकिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्किपिंग, ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है मल्टी स्पोर्ट रिकॉर्ड्स, देन आता है स्लीपिंग, हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस मैंने वहाँ से फीचर को ऑन कर दिया था। यहाँ से आपको स्ट्रेस लेवल मॉनिटर करके दिखाएगा कि कितना स्ट्रेस लेवल है आपकी बॉडी में। एंड इसके बाद आता है फ़ोन फीचर, तो यहाँ से आप डायल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स जो ऐड होते हैं वो यहाँ पे आएंगे, 10 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। रिसेंट कॉल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डायल में आप कोई भी नंबर डायल करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं इसी से ही अभी कॉल कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता अभी। इसके बाद आता है AI वॉइस असिस्टेंट, तो यहाँ से हम टैप टू स्पीक पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम कमांड देंगे वो कमांड आपकी वॉच पे सेंड हो जाएगी। इसके बाद आता है गेम्स, गेम्स में आपको चार गेम्स देखने को मिल जाती हैं। 2048 गेम ये बड़े लोगों ने खेली होगी। जिग्सा पजल, तो इसमें ये साइड पे दे दिया तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी यहाँ से हम इस पजल गेम को कैसे खेलेंगे,
नहीं आता मुझे, बड़ा कम होना। तो वो तो चलो बात की बात है, अब हम यहाँ से गेम को कर देते हैं एग्जिट। भाई हॉर्न कम बजा। रेसिंग गेम, ये मैं बचपन में खेलता था। चल भाई कहाँ से चलेगी? ओ चल, अच्छा चल गई। सॉरी मेरे को पता कम है ना, स्पीड नहीं आती मेरे को। साइड हो जा। बड़ा मज़ेदार गेम है, लेकिन आंखों को ख़राब करने के लिए बहुत अच्छी गेम है। मेरी आंखें भी ख़राब हो रखी हैं, चश्मा लगाया हुआ। तो ये तो हुआ गेम्स का, एंड यहाँ से मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। अब मैं एग्ज़िट कर देता हूँ इसको, एग्ज़िट द गेम। तो गेम के लिए आपको चाहिए तो अच्छा है, डिसकलरेशन। तो वो ये क्या हुआ? ओ माय गॉड, चल ये भी हुआ गेम। तो ये चार गेम्स इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आता है म्यूज़िक कंट्रोलर, देन आता है कैमरा कंट्रोलर, देन आता है ब्रीथ। कैमरा कंट्रोलर में जो आप फोटो सेल्फी वगैरह लेनी होती है फ़ोन में टेढ़े मुँह करके, तो वो कैमरा कंट्रोलर फीचर के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। देन आता है ब्रीथ, ब्रीथ कितनी देर के लिए एक्सरसाइज रन आउट करनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 1 मिनट का जैसे सेलेक्ट किया तो ये होता है, पहले इनहेल किया बाद में एक्सहेल। तो ये हुआ ब्रीथिंग फीचर, तो अच्छी बात है, ज़रूरी है। देन आता वेदर, वेदर 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 सनी आज। अलार्म यहाँ से भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अलार्म पे आपको वाइब्रेशन देखने को मिलती है, साउंड नहीं सुनाई कर देता, क्योंकि मैंने करके देखा था तो मेरे को साउंड नहीं सुनाई दिया था। अलार्म के बाद जो फीचर है वो स्टॉप वॉच का, स्टॉप वॉच यहाँ से स्टार्ट होती, यहाँ से स्टॉप होती, यहाँ से रीसेट होती। देन आता है स्टॉप वॉच में, अपन देखें अगर कोई शोर भी है क्या। लैप सिस्टम है इसमें, तीन लैप्स आपको देख। तो ये इसमें स्टॉपवॉच फीचर, यहाँ से हम रीसेट कर देते हैं। इसके बाद टाइमर है, तो जितनी देर का आप टाइमर सेट करना चाहें यहाँ से करके प्ले कर सकते हैं। देन फोन फाइंडिंग है, देन आता है टॉर्च, देन आते हैं नोटिफिकेशंस। तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तो क्लीन हो जाएगा। तो ये मैंने वॉच को वियर कर लिया है, तो अभी आप इसकी लुक देख सकते हैं। वेयरिंग में एकदम कंफर्ट लुक के साथ, और आपको जो इसका आई सेंसर या फिर हम कह सकते हैं लिफ्ट टू व्यू फीचर्स भी आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाता है। वर्कआउट कर रहा है, स्ट्रैप की फिटिंग एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है इसमें। वॉच का जो MRP है 7995 है, और जो इसका सेल प्राइस है वो 4495 की सेल प्राइस है इसकी। इस वॉच में जो मेरे को एक फ़ीचर कम देखने को मिल रहा है वो है ड्रेनिंग फीचर, जो कि वाटर अगर एंटर हो जाता है तो उस केस में। ओवरऑल जो रिव्यू देखा जाए तो वॉच देखने में भी काफ़ी अच्छी है, इसकी लुक भी अच्छी है, और फास्ट्रैक ब्रांड है तो ट्रस्टेड ब्रांड है। अब चार्जिंग की बात है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फास्ट चार्जिंग है, तो 79% 5:15 चार्जिंग ऑन कर दी मैंने। देखते हैं कितना इसका ज़्यादा फास्टिंग में चार्ज करता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार्जिंग का साइन दिखाई दे रहा है, और चार्जिंग के साथ साथ आप वॉच को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि बाकी वॉचेज़ में ऐसा नहीं है, वो वॉच को चार्जिंग पे आप यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप इसको वॉच को चार्जिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चार्जिंग का जो फीचर है उसको मैं यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए मैं पहले इसको पूरी तरह से अगर खाली करूँगा तो ही कनेक्ट करके फिर चार्ज करके देखूँगा कि कितना टाइम पीरियड में ये चार्ज आउट होती है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम ऑन हुई है तो हम उसका आइडिया नहीं लगा सकते। ये चार्ज तभी करके देखेंगे जब प्रॉपरली ये डिस्चार्ज हो जाएगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और वॉच कैसी लगी तो ज़रूर बताना। फास्ट्रैक का एक से एक बढ़ के नया आर्टिकल आ रहा है, तो आज हमने आपको फास्ट्रैक रिफ्लेक्स चार्ज के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच।